Hello friends, in this question we have to find root of the equation 2x cubed minus 3x plus 4 equals to 0 using Newton-Raphson method lying between minus 2 and minus 1. सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि minus 2 अगर आप x की जगह यहाँ substitute करते हैं तो suppose आपको answer मिलता है k1 and minus 1 आप substitute करते हैं तो आपको answer मिलता है k2. तो आपको यहाँ पर चेक करना होगा कि k1 and k2 का sign opposite होना चाहिए, यानी एक negative दूसरा positive या एक positive दूसरा negative होना चाहिए है, तभी minus 2 and minus 1 के बीच में root lie करेगा. So ये हम सबसे first step में करेंगे. So देखिएगा यहाँ पर friends, मैंने सबसे पहले minus 2 put किया तो मुझे answer मिलता है minus 6, और अगर मैं minus 1 put करता हूँ इस equation में then I will get 5. आप देख सकते हैं दोनों साइन में अपोजिट है, ये लेस देन जीरो है, ये ग्रेटर देन जीरो है, इसलिए रूट लाई करेगा माइनस टू एंड माइनस वन के बीच में. अब इसके बाद के जो स्टेप्स हैं काफी आसान है. अब यहाँ पर आपको प्रिडिक्ट करना है रूट को, यानी एक्स एन प्लस वन, यानी नेक्स्ट प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ रूट इज इक्वल टू प्रीवियसली प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स. सो अब यहाँ पर हम सबसे पहले एफ ऑफ एक्स जो यहाँ पर दिया गया है इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे. एक्स नॉट में पहले हम शुरू करेंगे एन इक्वल्स टू जीरो से. सो फ्रेंड्स क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर एन की जगह जीरो पुट कीजिए तो एक्स वन इक्वल्स टू मिलेगा एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एफ डैश एक्स. ठीक है, फिर ये जो भी एक्स वन की वैल्यू आएगी उसे हम यूज करेंगे नेक्स्ट इटरेशन में, यानी अब एन की वैल्यू यहाँ पे वन पुट कीजिए क्या मिलेगा एक्स टू इज इक्वल टू यहाँ पर एन की जगह वन तो एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स by f dash x. ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स x की जगह हम एक्स एन लिखेंगे. ठीक है, यानी जो भी एक्सप्रेशन आएगा इस पूरे एक्सप्रेशन का यहाँ पर इसे इवेलुएट जब हम करेंगे तो जो भी एक्सप्रेशन हमें मिलेगा उसमें हम यहाँ पर जो x नॉट पुट कर रहे हैं वही सेम इसमें पुट करेंगे. अभी कुछ देर में मैं बताऊंगा आपको. तो करना क्या है, हर बार जो वैल्यू आ रही है उसको फिर से यहाँ पुट करना है और न्यू वैल्यू निकालनी है. तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले फर्स्ट इटरेशन. तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स नॉट इनिशियली कंसिडर करेंगे माइनस वन को बिकॉज वो स्मॉल है. ठीक है, किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पर मैं माइनस वन कंसिडर कर रहा हूँ. सो देखिएगा पहले फ्रेंड्स मैंने एफ ऑफ एक्स कंसिडर किया गिवन पॉलिनोमियल को, देन उसका मैंने डेरिवेटिव लिया, देन जैसा कि मैंने आपको बताया इस फॉर्मूले में मैं ये दोनों एक्सप्रेशन की जगह पुट करूंगा. एंड नाउ अब आप करना क्या है, एन इक्वल्स टू जीरो से शुरू करना है और तब तक इटरेशन करना है जब तक आपको दो इटरेशन में जो वैल्यूज मिल रहे हैं वो नियर बाय ना हो. सो देखिएगा सबसे पहले मैंने एक्स नॉट से शुरू किया, यानी एन की वैल्यू जीरो पुट की. तो यहाँ पर एक्स नॉट की जगह देखिए एन की जगह पुट करेंगे जीरो तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस टू एक्स नॉट क्यूब माइनस थ्री एक्स नॉट प्लस फोर डिवाइडेड बाई सिक्स एक्स नॉट स्क्वायर माइनस थ्री. ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ पे लिखना है. फिर आपको एक्स नॉट की जगह क्या पुट करना है, माइनस वन. आप माइनस टू से भी शुरू कर सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है, मैंने माइनस वन से स्टार्ट किया यहाँ पर. अब फ्रेंड जो एक्स वन मिला ये हमें फर्स्ट इटरेशन का वैल्यू हुआ. अब हम क्या करेंगे, x2 फाइंड करेंगे. कैसे, x2 फाइंड करने के लिए n1 पुट कीजिए तो 1 प्लस 1 2 एंड दिस इज इक्वल टू x1 माइनस 2x1 क्यूब माइनस 3x1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6x1 स्क्वायर माइनस 3. सो अब जो ये न्यू इवेल्यूएटेड वैल्यू है ये हम इसमें पुट करेंगे, x1 निकालेंगे फिर x2 निकालेंगे और ये तब तक करेंगे जब तक दो इटरेशन में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सेम ना मिल जाए. सो देखिएगा मैं आपको नेक्स्ट इटरेशन दिखाता हूँ. तो अब इस एक्स नॉट की जो वैल्यू सॉरी एक्स वन की जो वैल्यू है उसको मैंने नेक्स्ट इटरेशन में देखिए एज अ इनपुट यूज़ किया एंड अब इसके बाद ये जो वैल्यू आया इसे मैं नेक्स्ट इटरेशन में यूज़ करूँगा. सो देखिएगा सो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको सारे इटरेशन एक साथ दिखा रहा हूँ. देखिए एक्स टू जो प्रीवियस इटरेशन से आया था उसका यूज़ मैंने फिर एक्स थ्री फाइंड करने के लिए किया, फिर जो मुझे एक्स थ्री मिला उसको मैंने एज अ इनपुट नेक्स्ट इटरेशन में लिया और सिमिलरली मैंने फाइव इटरेशन तक किया. आप देखेंगे फोर्थ इटरेशन में जो वैल्यू मिल रहा है और यहाँ पर फिफ्थ इटरेशन में जो भी वैल्यू मिल रहा है दोनों क्या है, सेम है. और क्वेश्चन में बोला गया था फोर डिजिट एक्यूरेसी चाहिए, यानी यहाँ पॉइंट के बाद आपको चार डिजिट देखने हैं. तो आपने देखा कितना आसान है न्यूटन रैप्सन का मेथड. आइए कुछ और एग्जांपल्स आपको बताता हूँ जो इसके ऊपर बेस्ड.